देखो याद रखना, जिसे झूठ बोलना आता है ना वो बड़ा टेंशन में रहता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले आदमी को ये ध्यान करना पड़ता है कि हमने बोला क्या है। बोलिए, बहुत लोग हमारे पास आते, गुरुजी हम बड़े टेंशन में रहते, और आप, हम कहते भैया हम टेंशन में नहीं अटेंशन में रहते, हम टेंशन में नहीं रहते। क्यों महाराज, क्या बात है? जो झूठ बोलता, जैसे किसी ने पूछा महाराज आप कितने भाई हो, अगर झूठ बता दिया तीन तो ध्यान करना पड़ेगा कि उस आदमी को तीन बताया था, अगली बार कहीं चार ना बता दे या दो ना बता दे, तो ये ध्यान करना पड़ता, हाँ जी या ना जी। पर जो सत्य होता है उसको याद करने की आवश्यकता, कोई सोते भी पूछ ले गुरुजी आप कितने भाई हो, तुरंत कह देंगे सोते सोते दुईठा। अब ध्यान नहीं करना है, क्यों नहीं ध्यान करना? क्योंकि सत्य है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, जो बहुत झूठ का सहारा लेता है वो टेंशन में रहता है, लेकिन जो सत्य का सहारा लेता है वो अटेंशन में रहता है। राम जी मर्यादित हैं और राम को सत्य प्रिय है। हम नहीं कहते, रामचरितमानस पढ़िए, गोस्वामी जी की पंक्ति कहती, राम ही केवल प्रेम प्यार, राम को प्रेम प्रिय है, राम को सत्य प्रिय है, राम को वही पा सकता जिसका मन एकदम निर्मल है, ट्रांसपेरेंसी, कांच की तरह आर पार दिखने वाला। लोग हमसे बहुत कहते, कई बार कहते हैं आप गुरुजी आप बहुत गंभीर हो, कई बार आप ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसा नटखटपना कर देते हैं, कई बार बड़े उपद्रव कर देते हैं। हम बहुत कंट्रोल करते हैं, हृदय से हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा कोई भूल ना हो। सच बताएं, ये वही रायपुर है जहाँ एक वर्ष पूर्व हम यहाँ बैठे थे, उसी दिन हमने बैठ करके प्रण लिया था कि अगर हमसे कोई भूल हो गई ना तो कोई दसों वर्षों तक महात्माओं पर भरोसा नहीं करेगा, कोई दसों वर्षों तक महात्माओं पर भरोसा। लेकिन मेरे प्रिय जन, आज तक के जीवन काल में हमने सदा प्रभु श्री राम के चरित्र को अपनाने का प्रयत्न किया, परिणाम ये निकला कि सत्य की जीत हुई असत्य हार गया। आपसे भी हम प्रार्थना करते हैं, राम लला मंदिर में तो विराजमान हो गए पर तुम घर जाकर नहीं, कथा में बैठे बैठे अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारे मन में राम जी बैठे? राम लला मंदिर में बैठे कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर तुम्हारे मन में रावण बैठा है तो मंदिर में बैठे हुए राम जी तुम्हारा कुछ हित नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय जनों, अगर तुमको हित चाहिए तो तुम आज ही अभी कथा के मध्य अपने हृदय में राम जी को विराजमान करवाओ।